वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। बीजेपी के टॉप लीडर में शामिल योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा बेहद कड़ी रहती है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भी लापरवाही दिखाई दी है। यूपी के बस्ती जिले में सीएम योगी का कार्यक्रम था। सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ही खलबली मच गई। योगी के कार्यक्रम से पहले ऑडिटोरियम में एक शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घुस गया। ठीक उसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद सीओ ने शख्स को देख लिया और ऑडिटोरियम से बाहर निकाल दिया। सीएम की सुरक्षा में लापरवाही के चलते पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। लापरवाही बरतने पर 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, जबकि 3 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी गई है। बस्ती के एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया, बस्ती में सीएम का कार्यक्रम था। सीएम के पहुंचने से 45 मिनट पहले ही शख्स लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ ऑडिटोरियम में घुसाया था। इसमें 7 पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। इनमें से 4 पुलिस कर्मी बस्ती, 2 सिद्धार्थ नगर और 1 संत कबीर नगर में तैनात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का वीआईपी कार्यक्रम था। वीआईपी के जनपद में आने से 45 मिनट पूर्व प्रेक्षागृह में एक व्यक्ति अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के पहुंच गया था, जिसको तत्परतापूर्वक वहां पर ड्यूटी कर रहे सीओ साहब ने देखा और तत्परतापूर्वक उसको बाहर निकाला गया। उसकी पहचान करी गई, उसके बारे में जानकारी की गई। ये समस्त कार्यक्रम वीआईपी के जनपद में लैंड होने से 40 मिनट पहले ही हो गया था, किंतु 2 जगह प्रेसिंग होने के बावजूद वो रिवॉल्वर अंदर तक आने में सक्षम रही। इसमें प्रथम दृष्टया जांच कराने पर 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी जनपद बस्ती से लगे हुए थे ड्यूटी में और 2 पुलिसकर्मी सिद्धार्थनगर से लगे थे और 1 संत कबीर नगर से लगे थे। जनपद बस्ती के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अन्य 3 पुलिसकर्मियों के संबंध में उनके संबंधित एसपी को रिपोर्ट भेजी गई है। इस संबंध में विभागीय कार्रवाई प्रचलित। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान भी कर ली गई है। सीएम योगी के कार्यक्रम से पहले इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया है। सही समय पर पुलिस की नज़र हथियार लेकर पहुंचे शख्स पर पड़ गई, इसी वजह से समय रहते हालात पर काबू पा लिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद यूपी पुलिस की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठ रहा है कि एक वीआईपी की सुरक्षा में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? कई लेयर सिक्योरिटी को भेद कर आखिर शख्स ऑडिटोरियम में कैसे पहुँच गया? समय रहते सर्किल ऑफिसर ने उसे देख लिया और बाहर निकाल दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।